नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भरद्वाज एस्ट्रो तक के माध्यम से आप लोगों के पास में लाल किताब के महाटोटके लेके आता हूँ और इस टोटकों में अच्छी से अच्छी जानकारी शेयर करने का प्रयास करता हूँ और वो जानकारी जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको जान लेना जरूरी है क्योंकि किन कारणों से आपके जीवन में समस्याएं हैं, बस उन्हीं समस्याओं को, एक एक समस्याओं को रोज लेके आने का प्रयास करता हूँ और उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का भी छोटा सा उपचार भी लेके आता हूँ। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं विष योग। विष योग जन्म कुंडली में कैसे बन जाता है और इसका प्रभाव क्या होता है, लेकिन इसके पहले एस्ट्रो तक यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे सारे वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे एस्ट्रो तक नाम से हमारा पेज है, वहाँ पे आप अंगूठे को छुए निश्चित रूप से आप लाइक करें और वहाँ पे भी वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं विष योग की। विष योग क्या है, किन किन ग्रहों के आधार पर विष योग बनता है और इस विष योग में मनुष्य के जीवन में क्या क्या फल होता है, हम कैसे पहचाने कि कुंडली में विष योग चल रहा है, क्योंकि सब लोग तो जन्म कुंडली देख नहीं सकते या सब लोगों की जन्म कुंडली होती भी नहीं है। तो हम मनुष्य के जीवन के में जो जो एक्टिविटी है उसको देख करके समझ सकते हैं कि विष योग इस कुंडली इस व्यक्ति के जीवन में है। तो क्या क्या देख सकते हैं, विष योग का सबसे बड़ा स्टार कौन होता है, होता है शनि और चंद्रमा, क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति अर्थात शनि पे चंद्रमा की दृष्टि या चंद्रमा पे शनि की दृष्टि अगर पड़ती है तो विष योग हो जाता है। अर्थात जल तत्व को शनि खराब कर देता है। जब शनि, शनि का मतलब होता है जो कुचाली, अगर जल तत्व को शनि देखता है तो उसको खराब करने का प्रयास करता है। अर्थात शरीर में तमाम बैक्टीरिया उत्पन्न करता है और ऐसी बैक्टीरिया उत्पन्न करता है जिसका इलाज बहुत लंबा चलता है, इसे कहते हैं विष योग। और भी स्थितियों में विष योग बनता है। यदि कुंडली में आठवें स्थान पे मौजूद राहु और शनि, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक लग्न में हो तो भी यह योग बनता है और इस योग में बनने में व्यक्ति के जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं। इसका मनुष्य पे वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है, अब आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव को देख करके जान सकते हैं कि विष योग बना हुआ है। कैसे जान सकते हैं, बार बार इंफेक्शन का खतरा बना रहे, पेट से संबंधित विकार बने, उल्टी या दस्त अधिक हो, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगे, गुप्त रोग अधिक आपके जीवन में उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना विष योग बना हुआ है। अर्थात ऐसे रोग, ऐसे रोगी जो लंबे समय तक उपचार ले रहे हैं, कहीं उनके कुंडली में विष योग के कारण तो लंबा उपचार नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो एक छोटा सा उपचार और सम्मिलित कर लें, देखिएगा चमत्कार होगा और विष योग खत्म हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे। क्या करना है, विष योग को हनुमान जी महाराज ही मिटा सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें, लेकिन इसमें एक विशेष सिद्धांत है।
जिस व्यक्ति के जीवन में विषयोग चल रहा है उसके जीवन में सात छाया दान करना उसके लिए ठीक अमृत औषधि के समान होता है। जो व्यक्ति लंबी बीमारियों से ग्रसित है, दवा फायदा ना करके इन्फेक्शन कर रही है, एक छोटा सा उपचार करके देखिए, स्टील या लोहे के पात्र में जिसमें आप जो है 1.25 किलो या 1 पाव तेल आ जाए, उस व्यक्ति के सर से उल्टा घुमाते हुए उस तेल में 1 रुपये का सिक्का, दूब और काला तिल डाल करके किसी साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को दें, या जो तेल मांगने वाले व्यक्ति आते हैं आप उनको हर शनिवार इस तरह से 7 शनिवार करके देखें, विष योग दूर हो जाता है। जैसे विष योग दूर होगा निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में रोग से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होने शुरू हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप? अगर तमाम इंस्ट्रक्शन हो रहा है, मन से अस्त व्यस्तता बनी हुई है, मन बहुत नीरस हो गया है बीमारियों को सोच सोच करके, तो महामृत्युंजय का पाठ करें और भगवान महामृत्युंजय को 1 लोटा जल अर्थात भगवान शिव की पिंडी को 1 लोटा जल 11 दिन तक लगातार अर्पण करें। इसके बाद 11वें दिन रुद्राभिषेक करके 3, 5, 7, 11 लोगों को भोजन दान करें, भोजन खिलाएं, तो विष योग दूर हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में विष योग है तो यह उपाय करके आप इससे मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।